तो मेरे दोस्त, वैसे तो हम इस चैनल पर बहुत दिनों से एक्टिव नहीं थे और कुछ बिजनेसेस की वजह से उसमें लगे होने के कारण आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर कोई अपडेट या फिर कोई भी न्यूज़ नहीं दे पा रहे थे। लेकिन दोस्तों, इसके बारे में हम आपको आज इस वीडियो में बता देंगे कि क्यों ऐसा हो रहा था। लेकिन दोस्तों, आज एक बहुत ही अपडेटेड न्यूज़ या फिर कहो बहुत इमरजेंसी या फिर कहो बहुत ही बैड न्यूज़ आ चुकी है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आपको हर रिचार्ज पर 20 से 25% का एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। जो भी आप रिचार्ज करते थे 249 से फिर 299 जो भी रिचार्ज करते थे, आपको हर रिचार्ज पर 20 से 25% का पैसा देना पड़ेगा। आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल या फिर जियो, हम सारी डिटेल में बात करने वाले हैं, प्लान दिखाने वाले हैं, क्या क्या प्लान होने वाले हैं अपडेटेड में। अब तो मेरे दोस्त, बने रहिए आज की इस वीडियो में। तो मेरे दोस्त, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर देना इस वीडियो, ताकि वो भी देख सके और वो भी जान सके कितना प्राइस बढ़ चुका है इस अपडेट में। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कुछ बिजनेस में बिज़ी होने के कारण कोई भी वीडियो नहीं बना पा रहा था, इसी वजह से कोई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन दोस्तों, अब वो हो चुका है जो हमको करना था और अभी आपको वीडियो कंटिन्यूसली मिलती रहेंगी इस चैनल पर और आपको कोई दिक्कत भी सामना नहीं आएगी। कोई भी अपडेट आएगी, कोई भी न्यूज़ आएगी, आपको ज़रूर से इस चैनल पर मिलती रहेगी। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके बारे में जो आज की इस वीडियो के अपडेट के हैं। मेरे दोस्त, एयरटेल ने भी हाल फिलहाल में अनाउंसमेंट किया है ऑफिशियली कि आपके जितने भी रिचार्ज करेंगे उस रिचार्ज पर आपको 20 से 25% का एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। यानी कि आपको, देख यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ मैं जो कि ऑफिशियल है, यहाँ पर आप हर रिचार्ज के प्लान्स देख सकते हैं। यानी कि जो अपडेट रिचार्ज है और जो पहला रिचार्ज था, आप उसके सारे प्लान्स देख सकते हैं, कितने कितने प्राइस बढ़ चुके हैं हर प्लान में। यानी कि जो कि बहुत ही बैड न्यूज़ हो चुकी है आप सभी के लिए जो भी एयरटेल वाले हैं अभी तक के लिए। लेकिन मेरे दोस्त, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हम तो एयरटेल नहीं है हमारे पास, ये फिर सोच रहे होंगे हमारे पास अगर एयरटेल है तो हम उसको वोडाफोन और आइडिया में या फिर किसी और में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि आपने देखा होगा इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पोर्टिंग सिस्टम है। लेकिन एक बात और है कि जब कोई भी कंपनी प्राइस बढ़ाती है तो फिर सारी कंपनियां ही प्राइस बढ़ा देती हैं। अभी हाल फिलहाल में एयरटेल ने अनाउंसमेंट किया है प्राइस बढ़ाने के लिए, तो हो सकता है आने वाले टाइम में या फिर कुछ ही दिनों में वोडाफोन और जियो भी ऐसा कर दें, यानी कि VI और जियो भी ऐसा कर दें। और दोस्तों, ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है। हालाँकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर एयरटेल वालों के लिए दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों, हम बात करते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ है, बढ़ाया क्यों गया है। दोस्तों, एक्चुअल में बात ये है कि एयरटेल और वी जो कंपनी है बहुत ही घाटे में चल रही हैं, या फिर कहो ये बहुत लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इसलिए इनको फ़ायदा नहीं हो रहा था। इनका जो एवरेज पर कस्टमर रेवेन्यू था, यानी कि एक कस्टमर से जो इनका एवरेज पर रेवेन्यू मिल रहा था वो 200 रुपये मिल रहा था, लेकिन इनका मानना है कि कम से कम 300 रुपये एवरेज तो होना चाहिए पर कस्टमर। तो दोस्तों, इसीलिए इन्होंने बढ़ाया है। लेकिन अगर ऐसा हो कि और कंपनी अगर ना बढ़ाए तो शायद बहुत अच्छा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा और उस कंपनी का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि सारे लोग, अक्सर लोग उसमें पोर्ट होकर के चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं, ये जो प्लान इंक्रीज़ हो रहे हैं या फिर कहो जो प्राइस बढ़ रहा है, ये सिर्फ 26 नवंबर के बाद ही बढ़ेगा। यानी कि 26 नवंबर से अगर आपने पहले कोई भी रिचार्ज कर लिया तो आपको प्लान का वही रेट देना पड़ेगा जो अभी है। जैसे सपोज करो आपने प्राइस को बढ़ते हुए देख करके 1 साल या फिर 5-6 महीने का रिचार्ज कर लिया तो आपका फ़ायदा रहेगा, लेकिन अगर 26 नवंबर के बाद करेंगे तो फिर वही प्राइस हो जाएगा जो कि प्राइस बढ़ने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब देखने वाली ये बात होगी आखिर क्या होता है। आप बने रहिएगा इस चैनल पर, हम आपको अपडेट ज़रूर से दे देंगे। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं जो है बहुत ही ज़्यादा बिजनेसेस में बिज़ी होने के कारण आपको कोई भी अपडेट, कोई भी वीडियो या कुछ भी नहीं दे पा रहा था। लेकिन दोस्तों, अब इस चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती रहेंगी, चैनल पर अपडेटेड रहेंगे। आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करके रखना। और दोस्तों, मैं आपको एक गुड न्यूज़ और दे दूं, हमने एक और चैनल बनाया है जिसका नाम है अनसुनी हिस्ट्री। यानी कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी और जो भी लोग हिस्ट्री को फॉलो करते हैं, फिर कहो हिस्ट्री सुनना उनको अच्छा लगता है या फिर कहो हिस्ट्री वो सुनते हैं, जानते हैं, उनको अच्छा लगता है, तो मेरे दोस्त डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो पड़ी हुई है उसमें, लेकिन उसमें बहुत जल्दी वीडियो दूसरी भी आने वाली है, और उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लेना। जो भी हिस्ट्री वाले हैं दोस्तों, उसके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर देना उस वीडियो को, ताकि हमारा चैनल का सपोर्ट बना रहे और उस चैनल पर भी एक्टिव रहें। अब दोनों चैनल पर एक्टिव रहेंगे हम, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई आप चैनल पर एक्टिव क्यों नहीं हो, वीडियोज़ क्यों नहीं बना रहे हो। तो मेरे दोस्त, आपका पहले तो बहुत शुक्रिया है कि आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया आप पूछने के लिए। लेकिन मेरे दोस्त, अब जो है इस चैनल पर लगातार हम एक्टिव रहेंगे और आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो मेरे दोस्त, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर देना, ताकि वो भी जान सकें इस अपडेट के बारे में, इस आखिर ऐसा हुआ क्या, क्यों प्राइस बढ़ाए गए हैं और कितने प्राइस बढ़ा दिए गए हैं। आप अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर देना इस वीडियो को।